दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक रिचार्ज ऐप की वीडियो। इस रिचार्ज ऐप के अंदर भी कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ ना कुछ पहले की रिचार्ज ऐप से ज़्यादा होने वाला है। वो क्या होगा, कैसे होगा, ये ऐप कैसे काम करेगी, इसके अंदर कितना आपको कमीशन मिलेगा, क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि रिचार्ज ऐप की वीडियो मैं यहां पर लाता रहता हूं, जिससे आप अपने घर बैठे रिचार्ज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने दोस्तों का रिचार्ज करके एक अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं और घर बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे है गुजारिश कि कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस ऐप के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, उस ऐप का नाम है विष्णु रिचार्ज। विष्णु रिचार्जेस नाम की ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने किया इंग्लिश को सिलेक्ट, नेक्स्ट 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 डन पे क्लिक किया और यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगेगा, मैं उनको अलाउ कर दूंगा। अलाउ करने के बाद अगर आप पहली बार आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पर साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्त ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर देना है। व्हाट्सअप नंबर देने का दोस्तों आपको बेनिफिट ये होने वाला है, आपको सारी सपोर्ट भी व्हाट्सअप की मिलेगी और यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको व्हाट्सअप पर ही मिलने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डिलीट कर लिया है, अब मैं वहाँ पर जाकर आईडी और पासवर्ड फिल करके आईडी को लॉगिन कर लूँगा। एक बार सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऐप्स रिलेटेड सारी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज इस ऐप से ले सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज तो आपके हर एप्लीकेशन के अंदर मिलता ही है। यहाँ पर पोस्टपेड के बिल, बिजली के बिल, गैस के बिल, मनी ट्रांसफर, AEPS सर्विस और लोन अप्लाई जैसे सर्विसेज का फायदा देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रिचार्ज की बात सबसे ज़्यादा करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रिचार्ज करके ही दिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन में रिचार्ज किस तरह से होता है, किस तरह से इसका इंटरफेस काम करता है। तो सबसे पहले हम ऐड बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ऐड बैलेंस यहाँ पे आप कितना भी कर सकते हो, आप 10 रुपये, 5 रुपये भी ऐड बैलेंस करके आप अपना रिचार्ज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 10 रुपये ऐड करता हूँ और ऐड बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। ऐड बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी UPI ऐप्स आ जाएंगी। आप किसी भी अपनी सुविधा के अनुसार ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे आप इसको ट्रांजेक्शन को करना चाहते हैं। जैसे मैंने फ़ोनपे पे क्लिक किया और ये मुझे फ़ोनपे के इंटरफेस में ले जाएगा। UPI पिन बनने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे स्टेटस सक्सेस आ रहा है, पेमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप बैक पे क्लिक करेंगे तो आपके मेन वॉलेट के अंदर 10 रुपये शो होने लग गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखाऊंगा और जानेंगे कि इसकी रिचार्ज सर्विस किस तरह से काम करती है। मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर BSNL टॉपअप पे क्लिक किया और मैं अपना मोबाइल नंबर भरकर रिचार्ज कर दूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा और रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐप पे सबसे नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है, 10 रुपये का रिचार्ज है, 3 अगस्त को ये रिचार्ज हुआ है। अब जानेंगे इसका कमीशन कितना मिला है। मेन वॉलेट का बैलेंस है जो मेरा 10 रुपये था, 10 रुपये का रिचार्ज करने के बाद 60 पैसे अभी भी है। मीन्स अप्रोक्स 6% का कमीशन मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिला है। दोस्तों किसी भी रिचार्ज ऐप के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा कमीशन इसी ऐप के अंदर देखने के लिए मिला है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये रिचार्ज ऐप DTH का काम कैसे करती है। आप यहाँ पर DTH रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एयरटेल, बिग टीवी, डिश टीवी, सन टीवी, टाटा स्काई और वीडियोकॉन जैसे ऑपरेटर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप सिंपली कस्टमर आईडी और अमाउंट भरकर रिचार्ज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसी तरह इस ऐप की बाकी सर्विसेज भी काम करती हैं। अब बात करें अगर आपको इस ऐप के अंदर किसी भी तरह का इशू क्रिएट होता है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप यहां पर आप अपनी रिचार्ज कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। आप अपनी रिचार्ज आईडी भरेंगे और यहां पर रिमार्क मीन्स जो भी आपको इशू क्रिएट हो रहा है वो भरेंगे और प्रोसीड टू कंप्लेंट पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इशू क्रिएट होता है तो जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर पर भी अपनी कंप्लेंट को व्हाट्सएप पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा आप 3 बटन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों विष्णु रिचार्ज नाम की एक पहले भी एक ऐप आई थी जिसके अंदर बहुत से लोगों का पैसा रुक गया था, अटक गया था, क्योंकि कंपनी को कुछ सर्वर इशू को फेस करना पड़ा था जिसके कारण कंपनी का ऐप काम करना बंद कर गया था। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका उस दौरान इस ऐप के अंदर कुछ पैसा डिटेक्ट हुआ था या पैसा अटक गया था तो आपको सिंपली एक ओल्ड ऐप जो इसकी पहले थी उसी ऐप के अंदर आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट लगानी है। अगर आपके पास वो ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, ऐप वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे।
वहाँ से आप पेमेंट रिक्वेस्ट डाल देंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल जेन्युइन पेमेंट रिक्वेस्ट डालनी है, सिर्फ एक ही बार पेमेंट रिक्वेस्ट डालनी है, दो या तीन बार पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। अगर आप पहले भी पेमेंट रिक्वेस्ट डाल चुके हैं तो आपको फिर से पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, आपका 100% अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इसका कमीशन। तो कमीशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप माई कमीशन पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ऑपरेटर्स का कमीशन शो करने लग जाएगा। एयरटेल और एयरटेल एक्सप्रेस पे आपको 3% का कमीशन मिलेगा, बीएसएनएल के अंदर आपको 6% का कमीशन देखने के लिए मिल रहा है जो कि किसी भी ऑपरेटर से सबसे ज़्यादा है। आइडिया और वोडाफोन के अंदर तो 4% मिलता ही है, लेकिन जियो में मैंने मोस्टली ऐप्स के अंदर देखा है 3.5 या 3.8 तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4% तक का कमीशन मिलता है। तो 4% का कमीशन बाकी ऑपरेटर्स पे, 6% का बीएसएनएल पे और एयरटेल पे भी 3%, काफ़ी अच्छा कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरह अगर आप डीटीएच पे क्लिक करेंगे तो लगभग सभी के अंदर आपको 4% का कमीशन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों इस ऐप से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके कंपैरिजन में आपकी नज़र में कोई अच्छी ऐप है तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।